अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। तो दोस्तों ये काली वाला कल की रात यार बड़ा पुराना पड़ा, वैसे बच्चे भी हम परवा देखा कि बड़ा टाइम दे रहे। ज़्यादा जो अच्छी चीज़ होगी आप दोस्तों के साथ वही शेयर करेंगे, आप दोस्तों को उसी का ही शौक करवाएंगे, सब ही अच्छे हैं। लेकिन ये कोई इसके बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे। तो पहले नार का शौक करवाते हैं फिर मादी का। दोस्तों ये आप देख लें, पहले तो नार की आँख देख लें, नार इतना कोड़ा है कि हाथ में नहीं आ रहा। इसकी आप आँख देख लें, अली वाले कबूतर जहाँ तक आपको अली वाले चिटकने कबूतर नजर आएंगे ना, उनके लास्ट में ना प्याजी किस्म का एक डोरा लाजमी होगा। आप इसकी नाक देख लें और पूरा एक तरह से व्यू कर लें दोनों साइडों पे। ये आप देख लें, यानी कि ये हमारा उड़ा हुआ कबूतर है, काफ़ी चैम्पियन कबूतर है ये हमारा। यह कि 2 साल बाद हम कलर वैसे भी चेंज करते हैं, 3 साल पहले ये उड़ा था। तो ये आप देख लें, इसकी सारा व्यू देख लें। आँख का तो आपको सही तरीके से शौक करवाता हूँ, वो भी आप देख लें। ये आप देखें आँख किस तरह की, मतलब इसके सिस्टम कितना फिट है। डायल आप एक देख लें इसके आँख का, अंदर इस तरह पक्का परफेक्ट फिट। और पलक आप देख लें, कबूतर भी तो 6-7 साल पुराना है। अब ऐसी चीज़ें कहाँ थी, ये आप एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। कबूतर के दुम में काले काले जो इसमें ये आ रही है ना लाइने से, ये आप देख लें नीचे से और तरह काली, ऊपर से रंगीन काली। आप इसके पार देख लें, पर ओके आप देख लें कबूतर था ये हाथ में नहीं आ रहे। इस वजह से ये आप देख, आखिर का पार इसमें भी तोड़ा है, लेकिन ये आप देखें आजकल ये सारे कबूतर टेडियों में जब्त गायब कर दिए। ये आप बगल आप इसकी देखें, कोई इसकी बगल में गैप नहीं है, इतने लचकदार पार है जितना मर्जी। ये इस तरह के कबूतर ना आप उड़ाएँ तूफानों में भी दया नहीं होते। ये हमारे पास बड़े पुराना पड़ा हुआ था मरवादी छत पे। ये आप इसके देख लें, ये जब लाल लाल शेड जो होते हैं ना कुंदों पे, ये अली वाले का, अली वाले जो कल सिरे कबूतर है उनकी निशानी है। आप इसके पर होके अब लचक देख लें, कितने एक तरह से नरम और लचकदार पार है। और एक आप दोस्तों के और बात बताता हूँ, ये इसकी सेकंड जो सेकंड लास्ट पीलिया है ना, किस तरह की आप देख रहे होंगे, इधर से शुरू होती है ब्राउन कलर की, बकाया सारी सफ़ेद। और आप इसके परों की चलाई देख लें, जितने मर्जी खोले इतना ही कबूतर पार खोल छोड़ते हैं। ये हर तरह के मौसम में आता रहे इसे, ये मतलब कि एक तरह कबूतर होते हैं ना कि मोटे हो जाए मतलब कि उम्र के साथ साथ, ये बहुत नहीं है। ये अभी तक कैसे इसको उड़ा, अगर हम उड़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर से इंशाल्लाह उड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन बस कि कुछ वजूहत ऐसी हैं कि जो ब्रीड में डाला हुआ है इसको, इस साइड पे एक काला पार आ रहा है ये आप देख लें, और जो इस तरह का सेकेंड लास्ट पार था, और ये इधर का के बगल का 10वां पार है कि मतलब कि इसके बाद इसकी बगल शुरू हो जाती है, ये देख लें ब्राउन तीली वाला। और आप एक और बात आप नोट कर लें, ये आप देख लें पार जो है ना 10वां, कितना मतलब क्या देख लें, छुपता नहीं है इन परों में। ये भी है कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत तफसील के साथ आपको बताऊंगा। जोड़ों वाले उड़ाई वाले कबूतरों में साथ दुम देख लें, रेड पत्ते की दुम है इसकी, फिर से आप एक व्यू कर लें कबूतर कितना शानदार है। आजकल के दौर में होते सब टेढ़ी कबूतर इनको कहते हैं, टेढ़ियों मैंने गायब कर दिया इनके साथ, टेढ़ी मातियों का क्रॉस लगाया, टेढ़ी आगे से बन गए। ये आप देख लें हड्डी की कितनी बंद हड्डी का ये कबूतर, इधर आके बंद हो जाता। एक और आप देख लें, ब्रीड में जब मैंने ऐसे लेके आया था बड़ा इसके ऊपर ना बारीकी थी मैंने देखा था। आप इसके नाखून देखें जिस तरह की नोक है इसकी, ग्रे कलर की वैसे ही नाखून है। और ये आप देख लें एक और चीज़ बहुत कम कबूतरों में आती है, ये इधर जो छोटे छोटे पार से आ रहे हैं ना उंगलियों के दरमियान में, ये नहीं कि आप जो जोड़ा लगाने के लिए आए तो सारा इस तरह पाँव पे उसके जो भी हो नार या मादी जाती जात हो, तो और जात से मुराद के परों वाले पाँव तो आप उठा के आएंगे, ये जोड़ों वाले इस तरह के छोटे छोटे पार होते हैं। आप इसकी कमोट देख लें, पर बाद में डाला था बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी थी, ऐसे कि एक तरह से तबाही इसने निकाल दी थी अंत किस्म की। अब मादी का शौक करवाते, ये आप देख लें सेम उसकी उसी नस्ल की मादी। अब इसकी आँख देख लें, इसकी आँख थोड़ी सी अब तेज़ हुई हुई है, नार की थोड़ी सी हल्की है, ये थोड़ी काली पलक में। और इसके आप चोंच भी देख लें, जिस तरह चोंच और उसका रंग नार की भी चोंच का रंग सेम है, सिर्फ इसकी पलक थोड़ी सी ग्रे कलर की आ रही है, फुल काली पलक नहीं। आप इसकी आँख देखें, आँख के आसपास इसके जो रिंग है वो भी आप देख लें, जिसकी बिना पे इसको इसके साथ जोड़े में लगाया है, ये भी बड़ी परवादी मत। ये आप देख लें एक और जो आप बात सोच रहे होंगे, लाल पार आप देख लें, ये कंधे के ऊपर अली बालों की निशानी। बहुत से दोस्त कहेंगे ये बटेरी मादी है या टेढ़ी टेढ़ी क्रॉस है बटेरों में से फिरी हुई है, ये असल में अली वाली मादी। इसका आप पल्ला देखें, जितना भी मर्जी खोलो नार की तरह, आगे से इनके जो बच्चे होंगे ना वो तो अंत ही होंगे, और अंत हैं भी अभी उड़ भी गए हैं। और इसके छोटे जो बच्चे हैं उनका भी शौक करवाएंगे किसी दिन, जब ब्रीडर सेटअप का शौक करवाएंगे। तो ये आप देख,
इतना बड़ा पल्ला आखिर तक जा रहे गोल परों की ये भी माती है। दायर मादी कुछ नार के थोड़े पतले से तलवार ही पा रहे हैं तो इसके गोल परों मिल गए। ये आप देख रहे बगल, आप देख लें इसकी कितनी वसी और बड़ी बगल है। इसका भी दसवां पर आप देख रहे कितना बड़ा है। ये आप देख रहे जितना भी मर्जी खोलो इसमें कोई गैप नहीं है। और अली वाले कबूतरों की जो निशानियाँ आ रही है इसमें लाल पर वो भी आ रहे पकड़ने की वजह से। अभी कम से कम कोई दो तीन मिनट इनके साथ लाड़ लाड़ के ने पकड़ा ही नहीं दे रहे थे। मादी आप देख लें कितनी मतलब के बड़ी ना, तो बड़ी तो आप देख लें मादी। अब जो लोग कहते हैं जी मादी छोटी है ये है वो, हाथ में और कबूतर बड़ा लगता है, इतने इतने बड़े हमें चाहिए। तो ये आप वो भी देख लें इतनी बड़ी मादी इधर से आके इतनी बड़ी। ये जी भाई हमारे परवा दी पहले तो परवादे दी हैं, अच्छी परवादे दी हैं, रिजल्ट दिए हैं, तो वो एक नंबर ब्लड लाइन में से थे इसीलिए हमने पेयर में भी डाल दिए हैं। ये आप देखें इसकी हड्डी आप देख लें बंद हड्डी, फिर अंडे दिए हमें। और आप इसके नाखून चेक कर लें जिस तरह की चोंच और फलक है वैसे ही इसके नाखून है। ये आप देख लें आप दोस्तों के साथ एक जोड़ा मतलब कि अपना पेयर शेयर किया है पेयर, मतलब इस तरह के आप दोस्त भी देख के खुश ही होंगे। जगह दोस्तों आपने अभी तक जाहिर है बहुत एक और बहुत अफसोस की बात है, आप दोस्त वीडियो वगैरह देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना कि हमारे बर्ड्स प्लानेट जो फैमिली है उसका आप हिस्सा बनते हैं। बकायदा के फिर गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जगह दोस्तों ये पेयर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।